आते ही हमला। यानी कि शुभ मुहूर्त के दोबारा शुरू होने की खबर मिली गई। मैं तुम्हें विशाखा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, समझी? मैं नुकसान कहां पहुंचा रही हूँ, मैं तो शादी कर रही हूँ। एक चुड़ैल की शादी एक नागिन से। मानना पड़ेगा हमारी दुनिया में भी लोग मॉडर्न हो गए। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा ना बेला, क्या करूं, किसे बताऊं, किसे पूछूं? अगर विश की शादी मुझसे होगी तो उसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी, उसके साथ साथ तुम्हारी शक्तियां भी। बहुत घबराहट हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना। आखिर में नाग रानी चुड़ैल से हारी गई। ओह, मैं डर गई। लड़ना चाहती हो तो आज मुकाबला हो ही जाए। बेला, जामिनी, कितना वक्त लगा रहे हो? चलो बेटा, पंडित जी नीचे इंतजार कर रहे हैं। वो आंटी जी, बेला जी मुझे टिप्स दे रही थी कि शादी के बाद अपने पति को कैसे खुश रखा जाता है। अच्छा, प्राइवेट बातें हो रही थी। अब ये बातें खत्म हो गई हो तो चले नीचे। माँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं जामिनी को नीचे लेकर आऊं। एक्चुअली थोड़े वक्त में हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं कि मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी में सब कुछ मैं ही करूँ। ठीक है बेटा, तुम जामिनी को लेकर नीचे आना, लेकिन जल्दी आ। चलो मुक्ति, इन दो सहेलियों को अकेला छोड़ दे। चले, बहुत जल्दी है ना तुम्हें इस शादी की। रेहान बाबू का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो मरी जा रही हूँ। वो देखा मेरा दूल्हा कितना डरा हुआ है, और यहाँ तुम्हारे पैर भी जम गए। बहुत डरी हुई हो ना अपने हार से। चल, ये कौन था वहां? मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझ पे नजर रख रहा है। क्या हुआ, मान ली हार? तुम ना बहुत कच्ची खिलाड़ी, खेल शुरू होने से पहले जीत का ढिंडोरा पीट रही हो। थोड़ी देर रुक जाओ ना, सिर्फ सर पीटोगे तुम। देखते हैं, अभी तो पूरी रात बाकी है। चले। बिल्कुल, कहीं तुम्हारा शुभ मुहूर्त अगर बीत गया तो बहुत अशुभ हो जाएगा तुम्हारे लिए। आ, चल गया। आदित्य बसो रुद्र विश्वे देवा सपैतृका तिलकम ते प्रयच्छन्ते आयुः कामान सिद्धे। दुल्हन को बुलाइए, विलंब हो रहा है। जी, आ रही है बस। बुलिया, क्या हुआ रेहान, सब ठीक तो है? आई मीन, मतलब छोड़ के भागने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो? अरे आओ बच्चों, जल्दी करो। सही कहते हैं लोग कि शादी बर्बादी होती है। जैसे वहां तुम्हारी दोस्त, मेरा मतलब है तुम्हारी दासी की। अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5। रेहान, तू तो पराया हो गया यार। अब रेहान सिर्फ अपनी बीवी का ही हस्बैंड होगा, द मोस्ट एडजस्टेबल मैन। अबे चुप, डराओ मत उसको यार। अरे डराने वाले हम कौन होते हैं, डराने वाली वो आ रही है ना, जामिनी। पंडित जी, दुल्हन आ गई, आप विधि शुरू कीजिए। ये बेला और जामिनी मंडप तक क्यों नहीं आ रहे? ये लोग आ क्यों नहीं रहे, वहीं क्यों रुक गए? मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी, मैं देख के आती हूँ। क्या हुआ? मुक्ति भाभी,
क्या हुआ? यहाँ कोई नहीं, दोनों कहाँ गए? ये देखो, माही तू अंदर जाके देख। हाँ, कोई भी नहीं। ओ बाबा, दूल्हा भाग गया, ये तो सुना था, दुल्हन भी भाग गई। What rubbish! हे यार, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ गई ये दोनों? तुझसे मेरे रास्ते से हट जा, वरना बेमौत मारी जाएगी। कहा था तू मुझसे नहीं जीत पाएगी, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। और विशाखा मेरी दासी नहीं, मेरी दोस्त है। उसकी शक्तियां छीनना तो दूर, तो उसे छू भी नहीं सकती। तुझसे कहा था कि तेरी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, चली जा यहां से, लेकिन तू नहीं मानी। अब तू देख अपना अंजाम। हार तो तू गई है, अब मार भी दी जाएगी। मार भी दी जाएगी, मार भी दी जाएगी। तुझे क्या लगा कि तूने मुझे हरा दिया? तुझे क्या लगा था कि तू मुझे यहाँ लेकर आई है? अरे अपने शिकार को बिना चबाए निकलने वाली नागिन, थोड़ा हम चुड़ैलों के बारे में भी जान लेती। बेचारी फंस गई मेरे जाल में। तुझे क्या लगा कि तू मुझे यहाँ लेकर आई है? मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। मैं चाहती थी कि तू उन लोगों से दूर मुझे अकेले में मिले। तेरा और मेरा सामना अकेला, और देख तूने वही किया। यहाँ तू अकेले मुझे खुद मिल गई, तूने खुद मौका दिया मुझे। बहुत बेचैनी हो रही है ना जानने की कि मैं तेरे पीछे क्यों पड़ी हूँ, मैं यहाँ तुझे क्यों लेकर आई हूँ। तो तू मेरा शिकार है, कंकाली माँ का शिकार। तू मेरी बलि है, कंकाली माँ को चढ़ाने वाली इस चुड़ैल की बलि है तू। मेरी बलि चढ़ाएगी तू? तू चुड़ैल नागरानी की बलि चढ़ाएगी? वो भी मेरे हाथों।
तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता नागरानी। जरूर उन्हें कोई फोर्सफुली लेके गए, वो अपने आप नहीं जाएंगे। पता नहीं सर, हम लोग तो बेला पे सॉरी बेला जी पर ही नजर रखे हुए थे, अचानक से पता नहीं कहां गायब हो गए सर। What the hell is wrong with this house? इस घर में नॉर्मल से कोई फंक्शन होता ही नहीं है, हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम, कभी सांप आ जाएगा, कभी तूफान आ जाएगा। Just sick of this. यार एंडी, अच्छा होता मेरे बेटे की शादी तेरे घर की बजाय मेरे ही घर में होती। यार ये शिखर, तुम ये तेरा मेरा बंद करो, okay? I'm telling you to stop this. मेरा दिमाग खराब हो गया। रिलैक्स डैड, रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स, जान सही तो कह रहे हैं, इस घर में आज तक कोई भी अच्छा काम बिना सर पीटे थोड़ी ना हुआ। अरे पंडित जी, ये शादी के मंत्र बाद में पढ़िएगा, पहले घर की शुद्धि के मंत्र पढ़िए। जी। लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया इस घर के ऊपर। किसी ने नहीं, उस जामनी ने ही कुछ किया होगा। पता नहीं वो चुड़ैल बेला को कहां ले गई होगी। हे भोलेनाथ, मेरी नागरानी की रक्षा करना। देखो सारी तैयारी हो चुकी है तुम्हारी बलि की, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेला को फोन भी नहीं लग रहा है। ओ माँ दुर्गा, कहीं ऐसा तो नहीं वो दोनों इस पिलर में समा गई हो? पागल हो गए हो पोलोमी, कभी तो शुभ शुभ बोलो। अरे सुमित्रा दीदी, कुछ शुभ हो तो शुभ बोलो ना। बोलो, इस घर में इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, इन जाहिलों वाली बातें यहाँ मत करो। चलो ऑफिसर, देख रहे हो ये सब क्या हो रहा है, कुछ कीजिए इसका। सॉरी सर, वो हमारी नजर बेला जी पर थी, पर पता नहीं गड़बड़ कहाँ हो गई। मैं कुछ करता हूँ। प्लीज डू इट। बेला जरूर किसी मुसीबत में, मुझे उसकी मदद के लिए जाना होगा। प्रथम मुझे बहुत टेंशन हो रही। डोंट वरी, दोनों ठीक होंगे, कुछ नहीं हुआ होगा उनको। ओके, रिलैक्स। ध्यान कहाँ था तुम लोगों का? अब तो हर जगह रोशनी थी, तो फिर कैसे हो गया? यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपके हिसाब से आप बहुत एफिशिएंट ऑफिसर हैं। फिर क्या हो रहा है मेरे घर में? क्या हुआ मेरी बीवी को? कहाँ चली गई? बताइए, आप बस यहाँ खड़े खड़े बातें करते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? माहिर जी, हम कोशिश करें। बातें कम, काम ज्यादा, अपनी ड्यूटी कीजिए। चलो। कहाँ हो तुम? बिना बताए कहाँ चली गई? माहिर, तू कहाँ जा रहा है? मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता, मुझे जाना पड़ेगा। ये लोग कुछ नहीं करेंगे माँ, मुझे बेला को रुकना होगा। माँ, उसे कुछ हो गया तो? माहिर, ये तो वही गुफा वाले मंदिर का रास्ता है। मुझे लगा कि बेला यहीं आई होगी। हे भोलेनाथ, कहाँ है बेला? हे त्रिनेत्रधारी, बताओ मुझे, दिखाओ मुझे, आखिर कहाँ है बेला? फिर से स्वागत है तेरा। बुलाई हो मुझे फिर से यहाँ? क्या चाहती हो तुम? पिछली बार का काम अधूरा रह गया था ना, इसलिए। क्या हुआ, नहीं समझी?
पिछली बार भी मैं तुझे यहाँ बलि लेने के लिए लाई थी, पर तू बच गई क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी थी, पर इस बार नहीं बचेगी। ये हमारा मंदिर है, चुड़ैलों का मंदिर, हमारी कंकाली माँ का मंदिर। तेरी बलि देके नागरानी, मैं भी चुड़ैलों की रानी बन जाऊंगी। अब चुपचाप लेट जा, जितना फड़फड़ाएगी उतनी तकलीफ ज्यादा होगी। मैं फट से तेरी धड़ से तेरी गर्दन अलग कर दूंगी। दोस्त हूं ना, इतनी दोस्ती तो निभाऊंगी। भूतेश्वरी मम वश कुरु कुरु स्वाहा। बहुत जल्दी ताकत आ गई, मरने वाली तो वैसे भी है। चाहती क्या हो तुम, क्यों कर रही हो ये सब? अभी तो बता, तेरी बलि चाहती हूँ। इस दुनिया में ताकतवर होना चाहती हूँ, सबसे ताकतवर। और फिर क्या करोगी उस ताकत का? क्या करूंगी? इस पूरी दुनिया में तबाही मचा दूंगी। तीनों लोगों में अमर हो जाऊंगी, और चुड़ैलों में सबसे ताकतवर। मैं जिसे चाहूं जब चाहूं मार सकती हूँ, पर मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन सबको मारना ही मकसद क्यों है तुम्हारा? तुम अपनी ये ताकत किसी की भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हो ना? भलाई? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, भूत हूँ, और हमारी दुनिया में कोई असूल नहीं होते। तू इसीलिए ये सब बातें कर रही है क्योंकि तेरे पास नागमणि है और तू मालकिन है नागमणि। नागमणि का कोई मालिक नहीं है, उस नागमणि का सिर्फ एक मालिक है, खुद भोलेनाथ शिव शंभु। और कोई मालिक नहीं है उस नागमणि का, मैं उनकी सेवक हूँ, उस नागमणि की पहरेदार हूँ मैं। मालिक नहीं। चुप कर, लेट जा चुपचाप। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? देख, मेरा वक्त बर्बाद मत कर, चल लेट। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेगी तू? शिकार बिना खाए निकल जाता है। नागों के पास नागमणि होती है, ये सब पता है तुम्हें, लेकिन ये नहीं पता कि नाग सुन नहीं सकते, उन्हें किसी शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब तू जंगल में चिल्ला रही थी, मुझ पे कोई असर नहीं हो रहा था, मैं सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रही थी। नाग सिर्फ और सिर्फ जमीन पे होने वाली हलचल को महसूस करके हरकत में आते, कोई शोर नहीं सुनाई देता उन्हें। इसलिए इस बार मैं तेरे हिसाब से नहीं, तू मेरे हिसाब से चली है। नहीं हूं मुझे ना तो तुम्हारी तरह ताकत का लालच है और ना ही अमर होने का।
मुझे बस उतनी ताकत चाहिए जिससे मैं तुझ जैसों को खत्म कर सकूं। पाप बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अच्छा, पाप कर रही है तू? यहाँ करने क्या आई थी? उन कातिलों से बदला लेने आई थी ना? पर उनकी अदाओं पे मर रही है तू, कातिल अदाओं पे। बकवास मत करो। क्यों, सच नहीं सुन पा रही है तू? तेरा असली चेहरा दिखाया तो बुरा लग रहा है बेला। तू माने या ना माने, लेकिन तू अपने दिल के हाथों मजबूर है। इंसानों को दिल से प्यार कर रही है, एक नागरानी होके हार गई इंसानों से। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, तू वफा की बात कर रही है ना? तूने सच कहा, तुझमें और मुझमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं यहाँ नागमणि लेने आई थी और उसके साथ वफा कर रही हूँ, लेकिन तू जिसके लिए बदला लेने आई थी वो तो भूल ही गई। किसी एक खास इंसान की वजह से अपना काम भूल गई तू। मैंने कहा चुप हो जाओ। क्यों, डर गई कि जो तेरे दिल में वो मुझे कैसे दिख गया? ये मुझे ही नहीं पूरी दुनिया को दिख रहा, तेरा नाग लोग भी ये देखेगा कि तू उस लड़के माहिर की वजह से। माहिर को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, पति का नाम किसी और के मुंह से सुन के जलन हो रही है? जा रही है। चुप हो जाऊंगी, बस तू मेरी एक बात का जवाब दे दे। जब तूने उस रिहान को मार दिया तो उस माहिर को क्यों नहीं अभी तक मार पाई? वो भी तो उसमें शामिल था ना जिसने तेरे प्यार को मारा था। अच्छा, मतलब मेरा अंदाजा सही था कि तेरी ये परवाह हर इंसान के लिए नहीं है, सिर्फ किसी एक इंसान के लिए, खास इंसान माहिर के लिए। देखा था मैंने उस दिन जब वो विशाखा रिहान बन के तेरे आगे पीछे घूम रही थी, तू माहिर कैसे जल रहा था। उसकी तरफ से तो कुछ है, पर तेरी तरफ से तू तो बड़ी असूलों वाली बनती है। जिसे ये पाप पसंद नहीं, उसे प्यार करने का पाप कैसे हो गया? मैंने कहा चुप हो जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसा है नागरानी? बेला, बेला खतरे में है, बेला खतरे में है। हे भोलेनाथ, क्या हुआ मेरी बेला? कहाँ है वो? गुफा? ये जरूर बेला ले, वो जामनी उसे गुफा में ले गई होगी। आखिर ये जामनी चाहती क्या है? हे भोलेनाथ, मेरी बेला की रक्षा करना। बेला की जान खतरे में। बेला, 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 कहाँ हो तुम? हेलो। हाँ गु, कुछ पता चला बेला का? कुछ पता नहीं चला भाई, इनफैक्ट हम सब यहाँ बहुत परेशान हैं। अरे तो रेहान से पूछो ना, रेहान कहाँ है? रेहान को फोन दो। वही तो कह रही हूँ मैं भाई, रेहान यहाँ नहीं है। रेहान भी कहीं चला गया और वो अब किसी का फोन नहीं उठा रहा है। What the hell? कुछ करना होगा, मुझे बेला का पता करना होगा, उसे ही होनी चाहिए। हे भोलेनाथ, अब आपको ही बेला की रक्षा करनी होगी, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं उस तक न पहुंच जाऊं। प्लीज उसका ध्यान रखिए। हे भोलेनाथ, जब तक मैं बेला के पास नहीं पहुंच जाती, उसकी रक्षा करना। तुम अब तक हम नागों को नहीं जान पाई, हमारी नागमणि तक क्या पहुंचोगी? तुझे मारने के लिए मुझे इस तलवार की जरूरत नहीं। मेरे
है, आज तू नहीं बचेगी नागरानी। जहां पे जामिनी बेला को लेके गई थी, कहीं बेला वहां तो नहीं? और रेहान भी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन बेला तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई विल कीप माय प्रॉमिस, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इरादों में कोई मेल नहीं है। मैं अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने आई हूं और वो मैं एक ना एक दिन लेके रहूंगी, पर तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगी। तुम्हें नागमणि कभी नहीं मिलेगी, समझी तुम? नागरानी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लाख लाख शुक्र जो आपने हमारी नागरानी की रक्षा की। सब ठीक है ना बेला? आ बेला। हाँ बेला। हाँ बेला, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ बेला, तुम ठीक तो हो? क्यों है तुम यहाँ पे और जामिनी कहाँ है? आओ ऊपर आओ, उठो। बेला, आई थिंक इट्स टाइम कि हमें माहिर को सब कुछ सच बता देना चाहिए। माहिर दैट गर्ल जामिनी, शी वॉज अ कॉन वुमेन, एक नंबर की शातिर चोर थी वो। हाँ देखो, यह है वह ज्वेलरी से भरा हुआ बैग जिसे चुराकर भाग रही थी वो। बेला को उस पर पहले दिन से ही शक था। बेला ने कई बार मुझसे बोला भी, पर मैंने ही उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। पर बेला ने उसके ऊपर लगातार नजर रखी, तभी तो जब वो दुल्हन बनकर चोरी कर भाग रही थी तो मैंने पीछा किया उसका, वो खिड़की से कूद के भाग गई। हाँ ये सब तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको बताने वाली थी, आपको फोन भी किया लेकिन आपका नंबर नहीं लगा, फिर इसलिए मैंने इसलिए इसने मुझे बुला लिया। सी माहिर, आई नो कि काफी दिनों से तुम मुझे और बेला को लेकर, आई मीन हम दोनों को लेकर तुम बहुत परेशान हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, वी आर जस्ट फ्रेंड्स यार, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। देखो मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से हमारी बातें और मुलाकातें इतनी बढ़ गई थी, पर वो इसलिए था क्योंकि मुझे बेला से जामिनी के बारे में पता करना होता था और कुछ नहीं। कहाँ है अभी जामिनी? भाग गई।
What? मैं उसका पीछा कर रही थी, मैंने बहुत देर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक आगे भागते भागते, फिर उसने हमला किया मुझ पे, लेकिन फिर शायद पुलिस के डर से वो भाग गई। हाँ, मैं जब तक यहाँ पर पहुंचा था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेला, तुमने मुझे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम बता देती तो। बेला, यहाँ तुम आई हो, यहाँ पे और लोग होते, उसका और पूरा गैंग होता तो तुम्हें कुछ हो जाता तो। बेला, घर पे भी तो बता सकती थी ना मुझे सब कुछ। अरे क्या बताती और किसको बताती, थोड़े दिन पहले वैसे ही मेरी वो पागल बहन अनु ने उसके बारे में इतना अनाप शनाप बक दिया, ऊपर से वो मित्तल, मेरे डैड, वो तो पहले दिन से ही बेला को हेट करते हैं, और ऐसे में वो अगर कुछ कहती भी कौन उसकी बात मानता, सब उसे ही गलत समझते। बाय द वे, आई एम रियली डन विद दिस, दिस इज ऑल बीन सो क्रेजी, एंड आई मुझे बस ब्रेक चाहिए कुछ दिनों के लिए, और मैं ये कंट्री छोड़कर जाना चाहता हूँ माहिर, आई हैव हैड इनफ। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम पे कोई खतरा नहीं है। बेला, मुझे भी खुशी है कि अब तुम ठीक हो, यू आर सेफ नाउ, बट स्टे सेफ, टेक केयर रेहान। हाँ माँ, हाँ माँ, रेहान भी मिल गया, बेला भी मिल गया, सब ठीक है। माँ, मैं आपको घर आके सब बताता हूँ। हाँ जी, एनीवेज मैं निकलता हूँ, टेक केयर रेहान। यू टू। ऐसे कैसे ख्याल दिमाग में आ रहे थे, मैं मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें को, थैंक गॉड तुम ठीक हो, मेरे पास हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेला, देखा था मैंने उस दिन जब वो विशाखा बनकर रिहान तेरे आगे पीछे घूम रहा था तो माहिर कैसे जल रहा था, उसकी तरफ से तो कुछ है पर तेरी तरफ से तू तो बड़ी असूलों वाली बनती है, जिसे ये पाप पसंद नहीं उसे प्यार करने का पाप कैसे हो गया। मुझे घर जाना है माहिर जी। भगवान, जामिनी ठग निकली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हे दुर्गा माता, आप समझना दीदी, मुझे तो पहले ही पता था, जब भी मैं उस लड़की को देखते थे ना, मेरी दाई आंख फड़कने लग जाती थी। ओ रानी पोलो, तुमने पहले कुछ नहीं कहा, तुम तो उसके लिए फूलों के गहने बना रही थी ना, क्या हुआ उसका? हाँ तो आप लोगों ने बनवाए नहीं ना, तो इसलिए तभी तो उसने सब कुछ किया। मेरे को मुझे पता था कि वो आपका फूल बना के गई है, इंग्लिश वाला फूल बना के गई है। शट अप, What really matters to me is घर के गहने बच गए, that's what really matters to me, nothing else matters. बस, what really matters, Andy, किस घर का असली गहना बच गया? हमारी बेला? बस दी, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आइंदा ना कभी भी अपनी जान खतरे में डाल के ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। बेटा, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम हमसे कितना प्यार करती हो, और जो बात जानते हैं ना उसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ गई ना तुम? बस अब भगवान से यही दुआ है
कि तुम्हारी और माहिर की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो। बस मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे प्रथम और सुहानी की जोड़ी एकदम सलामत रहे, किसी की नजर ना लगे। एंडी, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। What? इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। सुमित्रा दीदी, आप ही घर छोड़ के जा रही हैं? आपको पता, आपको पहली बार किसी बेस्ट फ्रेंड से मिलता खुश हुई हूं सुमित्रा दीदी, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। अरे वाह, मेरा तो मन खुश हो गया सुमित्रा दीदी, बहुत अच्छा फैसला लिया। आप चिंता मत करिए एंडी, जल्दी से गाड़ी निकालो। हाँ बोलो, गाड़ी निकालो और उसमें बैठ के अपने घर चली जाओ, क्योंकि मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगी, मैं अपने पूरे परिवार को अपने साथ अपनी माँ के घर ले जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? सच्ची तो कह रही हो आंटी, मुझे लगता है ये घर ही हमें सूट नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ भी शुभ नहीं हो रहा, सब कुछ अशुभ ही होता जा रहा है, और इससे पहले कि मेरे बच्चों के साथ कुछ अशुभ हो जाए हम इस घर से चले जाएंगे। प्लीज आंटी, आई एम बेगिंग यू आंटी, प्लीज ये घर छोड़। कम ऑन सुमित्रा, दो चार बुरी चीजें क्या हो गई? दो चार बुरी चीजें आंटी, इस घर में सही क्या हुआ है? सबसे पहले तो वो विश हमारी जिंदगी में आई और उसने जिंदगी को नर्क बना दिया, और उसके बाद यूं भी ये घर छोड़ के चला गया। और फिर अनु, जो हमारी बच्ची की तरह थी, उसने बेला पर न जाने किस किस तरह के इल्जाम लगाए, और अब जामिनी वो हमें लूट के जाना चाह रही थी। आप दो चार चीजें बोल रहे हो। हाँ, मेरा आदि देख लो, यही से तो जेल गया था, यही से फसादा में जा रहा। सही कह रही है सुमित्रा दीदी, पनौती है इधर। स्टॉप इट, हाथ से कहीं पर भी हो सकते हो। ओके, इट्स जस्ट मॉम। यस सर, हाथ से कहीं पर भी हो सकते हैं। क्या ये? आई एग्री विद यू, लेकिन माँ को अगर ऐसा लगता है कि इस घर में रहने से हाथ से ज्यादा हो रहा है तो हम ये घर छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। डैड, हम चल सकते हैं। आप रो मत प्लीज। माहिर, कभी कभार प्यार में लॉजिक का इस्तेमाल किया करो। प्यार में लॉजिक नहीं होता, बिजनेस डील्स होती हैं लॉजिक से, प्यार की डील्स नहीं। माँ की अगर इसमें खुशी है तो मेरी भी खुशी इसी में, और नानी का घर पास में ही है, इनफैक्ट हमारा ऑफिस भी वहाँ से पास में है, तो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, आज ही चलेंगे, ठीक है? और बाकी का सामान कल मंगवा लेंगे। तुम माँ और बेटे को शिफ्ट होना ना, लेट्स गो। भूषण, पैक द बैग्स, वी आर लीविंग फ्रॉम हियर। अरे जान सुनो, वहाँ एक और बेडरूम होगा ना इतने बड़े घर में? अरे सुनो तो सही। आप प्लीज मत रो, हैप्पी? वेरी हैप्पी। तू दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है माहिर, यू द बेस्ट सन इन द होल वर्ल्ड। ऐसा है क्या? मेडल का मिल गया? ये मेडल ले। मतलब मेरा अंदाजा सही था कि तेरी ये परवाह हर इंसान के लिए नहीं है, सिर्फ किसी एक इंसान के लिए, खास इंसान माहिर के लिए। मैं सामान पैक कर लेती हूँ। हाँ तो अभी के लिए फोन रखो, और जब कोई नई खबर आएगी तब फोन करना। अरे रुको भाई, घंटी मार मार के कान के पर्दे फाड़ दिए। अरे सबर नाम की कोई चीज ही नहीं है। ओह मिस मित्तल, मैं कैसे भूल गया कि आपसे तो सब्र होता ही नहीं। खैर बताइए, अभी क्या काम? एक मिनट, कहीं वो बेला जी के गायब होने के पीछे आपका हाथ तो नहीं है? उनकी किडनैपिंग आपने तो नहीं करवाई? आर यू मैड ऑफिसर? अगर मैंने वो किया होता तो मैं यहाँ क्यों आती? और शायद आप भूल रहे हैं कि मैं अपने खुद के भाई की शादी में नहीं गई हूँ, और वैसे भी मैं क्यों जाऊँ उस घर में जहाँ मेरी इतनी इंसल्ट हुई? आज के बाद मैं उस घर में पैर भी नहीं रखूँ। पैर पे तो अपने कुल्हाड़ी मैंने खुद मार ली जब आपसे मैंने ये सवाल किया। आप कट्टू कट नहीं बात कर सकती, जितना पूछे उतना बताइए, समझिए आप? आप बस मुझे रावी के पास लेके चलो। क्या आप ठीक हैं? कहीं उल्टी पैदा तो नहीं हुई थी? जब देखिए सीधी बात आपकी समझ में नहीं आती है। तो क्यों समझा रहे, जितना कह रहे हो उतना कीजिए ना, मुझे रावी के पास लेके चलिए। ओ मैडम जी, पहली बात भौहें उठा के बात मत कीजिए हमसे, और दूसरी बात, हम नौकर सरकार के हैं, आपके पिताजी के नहीं, इसीलिए आपका हुक्म नहीं सुनेंगे। और एक बात और, हमें नहीं जाना, आज हमारी छुट्टी है, इसीलिए अब आप यहाँ से जाइए और हम कहीं नहीं जा रहे। और वैसे भी सभी के सभी पुलिस वाले आज बेला को ढूंढने गए। वही तो मैं कह रही हूँ ऑफिसर, अगर 20 पुलिस वाले एक लड़की को ढूंढने जा सकते हैं तो ये एक पुलिस वाला मेरे साथ सच्चाई ढूंढने क्यों नहीं आ सकता? प्लीज ऑफिसर मेरी हेल्प कीजिए। अरे यही तो हम ऊपर वाले से मांग रहे हैं कि हमारी भी हेल्प कीजिए, आप जाइए यहाँ से प्लीज। देखिए ऑफिसर, मैं गलत नहीं हूँ और मैं ये प्रूव कर सकती हूँ, आप मुझे प्लीज एक बार रावी के पास लेके चलिए। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझ पर एक बार भरोसा कीजिए, मुझे बस एक बार रावी से मिला दीजिए, प्लीज मैं आपको कह रही हूँ। ओके ओके देवी जी, आपकी बात मान लेते हैं, वैसे भी आप मुझे छोड़ने नहीं वाली ऐसे, तो इसलिए हम चलते हैं। चलिए चलिए चलिए। मॉम, आई एम रियली डन विद ऑल दिस नॉनसेंस। मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और कुछ दिन के लिए किसी के भी टच में नहीं रहूंगा, ठीक है? ओके मॉम, मैं दो दिन का बच्चा नहीं हूँ यार, आप मुझे समझा रहे हो? नहीं,
डैड से आप ही बात कर लेना, उनको समझा देना, डोंट वरी अबाउट मी, ठीक है? ओके मॉम, ठीक है, ओके. अच्छा हाँ, आई लव यू टू. चलो ये किस्सा तो खत्म. अभी कहाँ,